तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग के एक ऐप के अपडेट के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, सैमसंग गैलेक्सी में आपको गुड लक ऐप का सपोर्ट मिलता है, जिसके अंदर बहुत सारे कस्टमाइजेशन के मॉड्यूल्स मिलते हैं। उसी में से एक मॉड्यूल का नया अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम एक मॉड्यूल के अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है वंडरलैंड। क्या ये अपडेट है, क्या नए चेंजेस किए गए, सब आपको आगे बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दो और मुझे व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर लेना, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि नाता है, मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग वंडरफुल ऐप के नए वंडरलैंड के ऐप के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए आपको जाना है यहाँ पर अपने मोबाइल की गुडलक वाली ऐप में चले जाना है। गुडलक वाली ऐप में जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक नया अपडेट मिल रहा होगा वंडरलैंड के अंदर। यहाँ पर जाएंगे, गो टू स्टोर पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे ये नया अपडेट आपको यहाँ पर रोल आउट हो गया होगा। अब इस नए अपडेट में क्या क्या नए चेंजेस किए गए हैं, जैसा कि अगर आप देखें इस अपडेट में क्या किया गया है, रिमूव अननेसेसरी, सबसे पहले दिया गया सपोर्ट AOD ट्रांजेक्शन ऑफ गैलेक्सी जेड फ्लॉप और जेड फ्लिप डिवाइसेस, सम डिवाइस 1.6.0 हायर। मतलब कि AOD का सपोर्ट दिया गया है गैलेक्सी जेड फोल्ड और जेड फ्लिप में। और रिमूव अननेसेसरी मास्किंग इफेक्ट व्हेन सेटिंग डायनामिक एनिमेशन ऑप्शन फ्रॉम गैलेक्सी जेड फोल्ड और फ्लिप के अंदर कुछ एनिमेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसको वहां पर इफेक्ट कर दिया गया है। और चेंज द लोकेशन ऑफ द इमेज सेटिंग बटन एंड द इफेक्ट सिलेक्शन बटन, कुछ बटन्स में चेंजेस किए गए और फिक्स कुछ इश्यूज किए गए। ओवरऑल मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट दिया होगा, कुछ बग्स किए होंगे, कुछ इनहांस फीचर एड ऑन किए गए होंगे या कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया होगा इस ऐप के अंदर। तो यही कुछ नया अपडेट है। अपडेट कर लिया, अपडेट करने के बाद मैंने कर लिया इसको ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, क्रिएट योर डिफरेंट लॉक स्क्रीन इफेक्ट और क्रिएट योर ऑन मूविंग वॉलपेपर। तो हम कुछ भी ले लेते हैं, लाइक हम पहले आ गए यहाँ पर क्रिएट यूजिंग मूविंग वॉलपेपर। यहाँ पर आने के बाद मैंने यहाँ पर प्लस पे क्लिक किया, प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ गैलरी में क्लिक करने के बाद मैंने अपना एक फ़ोटो को चूज कर लिया है, जिस फोटो को मुझे करना है। यहाँ पर जाऊँगा इमेज सेटिंग में, तो इमेज सेटिंग के अंदर आपको यहाँ पर मोशन के इफेक्ट्स मिल जाएंगे, जैसा भी आपको यहाँ पर सेट आउट करना है आप यहाँ पर सेट आउट कर लो और उसको वहाँ पर आप लगा सकते हो। ये हो गया, यहाँ पर आप मोशन लगाना चाहें या फिर डिलीट करना चाहें वो कर सकते हैं। ये आ गया, यहाँ पर मोशन इफेक्ट्स में जाएंगे, सारे मोशन इफेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, जो सा भी आपको मोशन इफेक्ट चाहिए उसको यहाँ पर से आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सबको यहाँ पर लगा दिया, और कुछ इमेज भी एड ऑन करना चाहें कर सकते हैं, टैग्स, वीडियो, पार्टिसिपल इफेक्ट और पार्टिसिपल प्रीसेट। अब पार्टिकल इफेक्ट्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ कोई फोटो भी डाल सकते हैं, इमेज 1, इमेज 2 में शेप भी डाल सकते हैं। और यहाँ जाएंगे प्रीसेट में तो आप ये प्रीसेट में ये सब चीज़ें डाल सकते हैं, लाइक बाउंसिंग बॉल्स डाल दी, अभी कैसे काम करेगा आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आ गया है आपका, आपको इसको बस सेव कर देना है और ये काम करना चालू कर देगा अपना। तो इस तरीके से अपना आप वॉलपेपर ऐड ऑन कर सकते हैं और अपने हिसाब से वॉलपेपर को कस्टमाइज कर सकते हैं। ऐसे ही लॉक स्क्रीन पे जाएंगे तो लॉक स्क्रीन के लिए भी आपको सेम ऐसे ही मिलेगा, आपको ऐड क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है, लॉक स्क्रीन पे आ गए। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा सेलेक्ट वॉलपेपर या सेलेक्ट कुछ भी करने का, हमने इसको डन कर दिया। डन करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे, जो सबसे बेस्ट है CRT इफेक्ट, जो कि ऐसा आपको दिखेगा, पिक्सलेट इफेक्ट्स, रिपल इफेक्ट्स, स्पेयर्स इफेक्ट्स, रैप इफेक्ट्स, एज इफेक्ट्स, ब्लर इफेक्ट्स, हेक्सागन इफेक्ट्स, स्लाइस इफेक्ट्स एंड देन लास्ट फ्लिप इफेक्ट्स। अब आप उसमें से जो सा भी आपको अच्छा लगे आपको चूज कर लेना है एंड देन उसको वहाँ पर फिक्स आउट कर देना है। फिक्स आउट करने के बाद यहाँ जाएंगे सेटिंग्स पे, जो भी स्पीड है आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं और सिंपली आपको यहाँ पर डाउनलोड करके क्लिक कर देना है और ये आपका वर्क करना चालू कर देगा। ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया गया है और कुछ थोड़ी बहुत इनहांस सेटिंग की गई है 1.6.0 में और गैलेक्सी जेड और गैलेक्सी जेड फ्लिप में इसका सपोर्ट दे दिया गया है। आप देखेंगे जैसे ये लगा दिया है, अब लॉक स्क्रीन पे जब भी आप खोलेंगे तो आपको ऐसा इफेक्ट्स दिखाई देगा।
तो यही नया अपडेट था वंडरफुल लैंड ऐप की तरफ से जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू सो मच। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछ जाते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू।